उपाय का। जैसे नंबर 11 है, जैसे नंबर 6 आदित्य गणपति, और ये विसर के साथ ही मुकाबला शुरू। प्रतीक वायकार, ये हाई वोल्टेज मुकाबला रहने की पूरी पूरी संभावना, फाइनल का ये मुकाबला है और दोनों ही टीमें यहां चाहेंगी ये विजेता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तेजी से निकले यहां पर सुरजेश, अब थोड़ा सा इंटरफियर आदित्य गणपले का भी बीच में आता हुआ, लेकिन लगातार सेंटर लाइन पर टारगेट के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार ये स्काई डाइव आई जरूर, लेकिन बचा लिया साफ बढ़िया तरीके से। तीनों खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित। तेजी, चपलता, सूझबूझ, बढ़िया टैक्टिक्स। अगर रेलवे को यहां जीत दर्ज करनी है तो ये टीम महाराष्ट्र है, शुरुआती लम्हों में ही प्रेशर क्रिएट करना होगा, अटैक को इनिशिएट करना होगा। और यहां खाता खोल दिया है रेलवे ने, जबकि नंबर 11 आउट होते हुए उसी क्वायकार, पहले खिलाड़ी जो आउट हुए हैं पहले बैच के, दो खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित, जैसे नंबर 4 और जैसे नंबर 6, जैसे नंबर 4 विजय शिंदे और आदित्य गणपले। अब ये इस सफर को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, 4 के पीछे 4, 5 के पीछे, बहुत बढ़िया, एक खिलाड़ी और आउट, जैसे नंबर 4 विजय शिंदे बाहर जा रहे हैं, डिफेंडर विजय शिंदे को भी बाहर भेज दिया है। 2 मिनट का लगभग समय पूरा हुआ है और दो ही खिलाड़ियों को आउट कर दिया है यहाँ पर रेलवेज ने। यहाँ जोश आ गया है, दर्शक दीर्घा में भी क्या शानदार खेल दिखाया है यहाँ पर रेलवेज ने, महाराष्ट्र जैसी मजबूत टीम को, और 2 मिनट की समय अवधि में ही 2 खिलाड़ी आउट। पहले बैच के अंतिम डिफेंडर के तौर पर हैं आदित्य प्रसाद गणफुले, आदित्य प्रशांत गणफुले। देखना होगा क्या स्काई डाइव आने वाली है, यहां पर अपर हैंड ट्रैपिंग की कोशिश थी और यहां पर अब आउट करार दिया गया है। पहला बैच सिर्फ 2 मिनट 45 सेकेंड में निपटा दिया है रेलवेज ने, और रेलवेज ने यह बताया है कि फाइनल में कैसे एग्रेसिव स्टार्ट की जरूरत होती है, और उस एग्रेसिव स्टार्ट में महाराष्ट्र की टीम फंस गई है। यहां पर हाई टाइम फाउल दिया गया है, समय से पहले ही अपनी पोजीशन से उठ गए थे। दूसरा बैच जो आया है महाराष्ट्र का, उसमें है लक्ष्मण गौस, उसमें है सुयश, उसमें है वृषभ, और इस समय जो टारगेट पेश किया जा रहा है वो है नंबर 2 लक्ष्मण गवास। क्या वहां पर पोल डाइव का टच है, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं वहां पर नंबर 10 रेलवे के अमित पाटिल। अमित पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि टच आउट हो चुका है, लेकिन न तो पोल अंपायर ने और न ही रेफरी ने उस पर हामी भरी। छोटे छोटे खोके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश। दूसरे बैच ने कम से कम 1.5 मिनट का समय निकाल दिया है, यहां पर कोई और नुकसान होने नहीं दिया है। यहां पर निश्चित तौर पर एक टच है, नंबर 2 बाहर जा रहे हैं, लक्ष्मण को बाहर जाना पड़ेगा। और अब यहां पर जो पीछा किया जा रहा है, 8 और 9 के बीच कंफ्यूजन है, पहले फाउल करार दे दिया गया था, 8 अंक 4 डिफेंडर बाहर, तेज शुरुआत यहां पर रेलवे की रही है। क्या यहां पर डाइव आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, सरप्राइज अटैक करना चाहते थे।
जिगजैग तरीका, यहां पर डबल ग्लफ देने की कोशिश थी महाराष्ट्र की तरफ से, अपने ही जाल में फंसते फंसते बच गए। क्या यहां पर एक स्काई डाइव, बहुत छोटा प्रयास था जरूर नंबर 10 अमित पाटिल का। अमित ने चेज में प्रभावित किया है, अटैक में प्रभावित किया है, बहुत तेज रन लगाया है। प्लेयर को अब नीचे बैठे खिलाड़ी को टच नहीं कर सकते इंटेंशनली, और उसी की मांग कर रहे थे। अच्छा पास, अच्छा खो, पोल का बढ़िया इस्तेमाल। 5.5 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है, स्कोर बोर्ड पर 8 अंक हैं और हर कोई इस फाइनल को देखना चाहता है। पहले फाउल करार दे दिया गया था वीरेंद्र। जी हाँ, और उस फाउल का ही ये परिणाम है कि अभी भी बहुत बढ़िया खेलते हुए, लेकिन इस बार जाना होगा बाहर। ये है जर्सी नंबर 10, जानदार खिलाड़ी रेलवे के लिए अमित पाटिल। एक खिलाड़ी को आउट किया और अब जर्सी नंबर 9 में ये दूसरे बैच की आखिरी उम्मीद वृषभ वाघ, डिफेंडर, और यहाँ डिफेंस की जिम्मेदारी। 5 खिलाड़ियों को सक्सेसफुली यहाँ आउट कर चुकी है रेलवे। ये छठे खिलाड़ी, दूसरे बैच के आखिरी खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 में वृषभ वाघ। यहाँ लगा ऐसा अपील की गई है, लेकिन कोई भी खतरा फिलहाल नहीं, अभी भी सुरक्षित। 7वां मिनट प्रगति पर निर्धारित 9 मिनट का समय है। इस बार ये साइड आइल का चांस आवश्यकता पड़ी रही, उससे पहले ही आउट कर दिया है। 2 बैच सक्सेसफुली आउट कर दिए हैं यहाँ रेलवेज ने, स्कोर हो गया है 12। ये बहुत एग्रेसिव स्टार्ट है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का। अगर एक बैच और आउट हो गया तो पारी की हार का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि 20 अंक अगर आप कंसीड कर लेते हैं, 18 या 20, तो फिर मैच में वापसी बहुत मुश्किल होगी। उससे पहले फाउल करार दिया गया था। और आनंद, 20 के बाद अगर आप अटक जाते हैं 10 या 12 पर अपने चेज में, तो फिर फॉलो ऑन का खतरा भी आप पर मंडराता है। यहाँ कोशिश यही कि इस अंतिम 1.5 मिनट में 2 या 3 खिलाड़ियों को और आउट करें, ताकि अपनी जो लीड है उसको और मजबूत किया जा सके। रेलवे बहुत अच्छा खेल रही है यहाँ, बहुत बढ़िया अटैक इनिशिएट किए। तीसरा बैच जर्सी नंबर 5 अक्षय भंगारे, जर्सी नंबर 7 में है ऋकेश, ये भी डिफेंडर है। महाराष्ट्र की टीम की खास बात ये कि स्पेशलाइजेशन है प्लेयर्स के पास। और जर्सी नंबर 1 में राहुल मंडल, एक खिलाड़ी को और आउट कर दिया है। जर्सी नंबर 5 में अक्षय भंगारे को बाहर जाना होगा। 7 खिलाड़ियों को अब तक आउट कर चुकी है ये टीम। क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पर रेलवेज का, 14 पर जा पहुंचा है स्कोर। क्या निर्धारित 9 मिनट की समय समाप्ति से पहले 1 या 2 खिलाड़ियों को और आउट कर पाएगी रेलवे। बहुत बढ़िया कोशिश है यहाँ पर, लेकिन बहुत बढ़िया बचाया अपने आप को यहाँ पर राहुल मंडल ने। अब देखिए दोनों ही खिलाड़ी यहाँ जुगलबंदी के साथ खेलते हुए, थकाते हुए रेलवे। बहुत बढ़िया डिफेंस यहाँ जिग-जैग करते हुए लेफ्ट टू राइट, जैसे नंबर 7 ऋकेश। और अब 15 सेकंड में लगभग क्या कोई सफलता मिलेगी यहाँ रेलवे को। इस बार ये बढ़िया एक किनारो ढूंढ निकाला है समय समाप्ति से ठीक पहले। जर्सी नंबर 7 में बाहर भेज दिया है ऋकेश को, और निर्धारित